प्रातः क्लास चल रहा था 19 जुलाई 1968 शुक्रवार को, पांचवें पेज के मध्य में बात चल रही थी ज्ञान मानसरोवर की। ये कहते हैं वहां स्नान करने से परिजात बन जाते हैं। अब ये सब बातें भक्ति मार्ग की हैं, अंधश्रद्धा की, जिनका अर्थ बाप बैठ करके समझाते हैं ये तो हो ही नहीं सकता है कि पानी के तालाब में स्नान करने से कोई ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परी बन जाते हो। अगर स्नान करें उनमें तालाब में, कैलाश पर्वत के उस मानसरोवर में, तो फिर ज्ञान की गंगा में जाने की दरकार ही नहीं है ना। एक तरफ कहते हैं गंगा में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, दूसरी कहते हैं सारी उल्टी उल्टी बातें भक्ति मार्ग में। अब जब गंगा और ये मानसरोवर, पानी का तालाब, यही पतित पावन है, फिर तो शिव बाबा को आने की दरकार ही नहीं है, है? इसमें गोता मारने से ही काम हो जाएगा। फिर तो न गंगा ठीक है न वो तालाब ठीक है। कोई भी बात ठीक नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन सब बातों के ऊपर, ओ मीठे बच्चे, ये सभी भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बातें। अभी क्या कथा सुनने जाते हैं अमरनाथ की पहाड़ पर, क्योंकि वो तो कथा अमरनाथ ने अमर बनने के लिए सुनाई थी अमर देवी को। हाँ, पार्वती को सुनाई थी। अच्छा, पार्वती को सुनाई और वो अमरपुरी में चली गई। अब देखो इस दुनिया में अमरपुरी में तो कोई जाते ही नहीं है। अमरपुरी माना स्वर्ग, कहां अमर लोक और कहां मृत्यु लोक, कहां अमरपुरी कहां मृत्युपुरी। वो तो इस भारत में ही अमरपुरी होती है, भारत में ही मृत्यु लोक होता है, फिर तो कोई दूसरी जगह जाने की दरकार ही नहीं है ना। जिसका छोटा मॉडल ये दिलवाड़ा मंदिर दिखाया है, तो आने वाले बच्चों को दिलवाड़ा मंदिर का भी तो राज समझना चाहिए ना। और फिर गुरु सुहर, तो वहां भी यही चित्र है, कोई दूसरा तो नहीं है, वहां भी शिव का ही चित्र है। और वो गुरु शिखर में ऊंचे थे ऊंचा है, ऊंचे थे ऊंची आत्मा शिखर अर्थात चोटी पर रहती है। चलो ब्राह्मण की चोटी पर रहती हो, कहा जाता है ब्राह्मण चोटी, चोटी का ब्राह्मण, जिसकी यादगार में ब्राह्मणों को चोटी दिखाई जाती है। बाकी कोई पहाड़ों पर तो नहीं बैठे रहते हैं ना, शिखर कहते हैं, क्योंकि बाप बहुत ऊंची चोटी पर रहते हैं,
ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना, तो ऐरा वेरा नायत हो खैरा ब्राह्मणों की चोटी में नहीं निवास करते हैं। नहीं, तुम जानते हो, तो वो है चोटी का ब्राह्मण, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण, वहां बाप निवास करते हैं। और हम आत्माएं भी कहां निवास करती हैं? हम रुद्रमाला के मां के जो आत्माएं हैं वो भी वहीं निवास करते हैं। तो या तो है ये पृथ्वी, या तो है ऊपर ऊंची स्टेज में आत्मिक स्थिति में रहने वाले देवताएं, परंतु ये सूक्ष्म वतन की तो कुछ बात ही नहीं है ना। वो तो स्वप्न मात्र है, जैसे साक्षात्कार मात्र है। उसके लिए तो कोई भी नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। वहां कोई सूक्ष्म वतन तो होता ही नहीं जहां कोई हिस्ट्री रिपीट होती है। नहीं, अरे वर्ल्ड जिसको कहा जाता है वहां की बात है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो न सूक्ष्म वतन के लिए कहेंगे हिस्ट्री रिपीट, न मूल वतन के लिए कहेंगे हिस्ट्री रिपीट। तो वहां के लिए भी वो बताया है कि वहां भी झाड़ है आत्माओं का, वहां से वो आत्माएं आती हैं यहां पार्ट बजाने। उस झाड़ का पहले बीज ही होगा ना। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में नंबर वार पार्ट बजाने के लिए आते हैं, पुनर्जन्म लेते जाते हैं, चक्कर खाते जाते हैं। तो इस वर्ल्ड के लिए ही कहा जाएगा ना कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो जो मनुष्य आजकल वर्ल्ड में है, चिल्लाते रहते हैं पीस चाहिए पीस चाहिए, पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं ऑल वर्ल्ड में जगह जगह, ये इनको तो मालूम ही नहीं है कि हमारी जो आत्माएं हैं जहां हम रहते हैं वहां तो पीस ही पीस है आत्माओं के लोक में। अंग्रेजी में कहा जाता है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का धाम है, वहां शरीर नहीं होते हैं। शरीर तो विनाशी, आत्मा अविनाशी। तो हम अविनाशी आत्मा का धर्म ही है शांत। और ये शांति कोई जंगल में नहीं मिल सकती है। चारों युगों में से कौन सी दुनिया जंगल है? है? कहेंगे कलयुग की दुनिया जंगल है, कांटों का जंगल। तो देखो इस कांटों के जंगल में, दुखदाइयों के जंगल में किसको कोई बाप जाके ज्ञान देगा? क्या कोई धर्म पिताएं जाकर के ज्ञान देंगे? लौकिक बाप ज्ञान देंगे? ये धर्म पिताएं ज्ञान देंगे? नहीं, ये तुम बच्चे हैं, तुम बच्चे जानते हो कि हमको पीस भी प्राप्त, पीस भी मिलती है, सुख भी मिलता है, और कोई एक को नहीं मिलता है, सबको। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी मनुष्य रूप में पाठधारी है सबको मिलता है क्या? सुख और शांति,
भले एक जन्म के लिए मिलता है। समझे? बाप ने कहा है ना बच्ची। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो बच्ची बच्ची ज्यादा दिखाई पड़ती है। बच्ची जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर के निवास करते हैं, और थोड़े नहीं, वहां बहुत ही निवास करते हैं। कौन सी शांति धाम की बात की है? खास स्पेशल शांति धाम या सामान्य आत्माओं का धाम है? अच्छा, वहां बहुत आत्माएं निवास करती है, है? अरे बहुत आत्माएं सामान्य धाम में निवास करती है, उसे भी कहा जाता है परम धाम। लेकिन उनकी जो बीज रूप आत्मा है, बाप रूप, बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, वो तो उनके भी बाप है। वो तो उनका जो घर है वो तो उनका भी बाप है। बाप बताते हैं ना, वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बहुत कहते हैं, कई कई तुमको ऐसे कहेंगे, इससे तो फिर हम ही ज्ञान तमाम थोड़ा ज्ञान ले रहे या नहीं ले रहे, जो पिछाड़ी में हम आवे, थोड़ा लेंगे तो पिछाड़ी में आवेंगे, पूरा ज्ञान लेंगे तो अगाड़ी में आवेंगे। अगाड़ी में इस सृष्टि में ज्यादा सुख होता है या पिछाड़ी में ज्यादा सुख होता है? इस सृष्टि में पीछे आएंगे तो ज्यादा सुख होगा या आगे पहले पहले आएंगे तो ज्यादा सुख होगा? पहले पहले आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग के आधे 16 कला संपूर्ण सतयुग में आ जाएंगे तो ज्यादा सुख होगा, नहीं। सतयुग से भी श्रेष्ठ युग है पुरुषोत्तम संगम युग। तो हम पिछाड़ी में क्यों आवे? तो हम इतना दिन तो मुक्ति धाम में रहेंगे ना, है? पिछाड़ी में आ रहेंगे तो फिर लंबे समय तक मुक्ति धाम में रहना पड़े, तो फिर सुख कम भोगेंगे या ज्यादा भोगेंगे? कम भोगेंगे। और फिर ये तो नहीं कि परम धाम में रहेंगे नहीं, रहेंगे तो सही ना मुक्ति धाम में, पीछे आएंगे तो जरूर ना, आना तो पड़ेगा। तो वो यहां आएंगे, बाबा ने समझाया हुआ है कि जो अंत में एकदम अंत में आएंगे सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो एक जन्म लेंगे। अब एक जन्म में क्या सुख भोगेंगे है? सुख शांति ज्यादा भोगेंगे कि वो अशांति की दुनिया होगी है? लास्ट जन्म में अशांति की दुनिया होगी। तो वो यहां आएंगे, बाबा ने समझाया है एक जन्म तो कोई चीज ही नहीं। जैसे एक जन्म वाले ये होते हैं ना बच्चे, है कौन? ये प्राणी, पशु पक्षी, मच्छर है। वो तो जैसे मच्छर हो गए है, जैसे रात में पतंगे दीपावली पर ढेर के ढेर आते हैं और सवेरे को मर जाते हैं। आया वो मच्छर, देखते हो ना, वो सुख देखते हैं इस दुनिया में, लंबा सुख देखते हैं, बहुत बत्तियों को उड़ाए करके उड़ते हैं, बड़ी शोभा देते हैं। सुबह को उठो तो ढेर के ढेर मरे पड़े एकदम। तुमने कभी दीपमाला में देखा है?
कि ये मच्छर जब ढेर के ढेर निकलते हैं हरे पिस्ते के मुआफिक, तो उनका क्या होता है, जन्म लेते हैं और इधर उधर फिरते हैं, खुश होते हैं, बहुत ही बत्ती के ऊपर खुश होते हैं। और सुबह को देखो है सोझप, सोजरा होते ही वो मरे पड़े। कौन सा सोजरा है? सत्युग रूपी सोजरा होते ही साहब, सोजरा होने से पहले ही खलास है ना। अभी तो वो ऐसा जन्म तो होते है ना, यानी जड़ पक्षियों का, चीटियों का, चीटों का, जानवरों का, पोपटों का, अभी मनुष्यों का जन्म तो ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए ना बच्ची। तो वो तो जैसे फिर जानवर हो गए। कौन कौन जानवर हो गए? किसकी बात हो रही? अरे बताया ना, बाबा बोलते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले मनुष्यों की संख्या कितनी है? 500 करोड़। उनको कहेंगे मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य, मनु की औलाद। और बाकी सब क्या है? बाकी तो मक्खर है, मक्खी, जानवर है, पशु पक्षी है। तो उनको क्या कहेंगे? जानवर ही तो कहेंगे ना बच्ची, क्योंकि आएगा थोड़ा सा सुख भोगेगा, फिर है थोड़ा सा सुख भोगा, मनुष्य बना, मनुष्य तो सुख भी भोगते हैं, भोगते हैं ना। हाँ, श्रेष्ठ मनुष्य कहे जाते हैं पहले जन्म में, तो सुख भोगते हैं, फिर जानवर बनेगा। ऐसे तो नहीं कि कोई देवता बनता रहेगा जन्म जन्मांतर, नहीं। देवता के वो आकर के सुख तो नहीं भोगेंगे। अरे यहां इस नरक की दुनिया में क्या सुख रखा है? अभी इस नरक की दुनिया में कोई आएंगे वहां आत्मलोक से, कोई आत्माएं आएंगी तो तुम जानते हो वो क्या सुख भोगेंगी। कहेंगे कितना सुख भोगेंगी बता पाऊंग? नहीं, पाई पैसे का सुख भोगेंगी। फिर भी अगर मक्खी भी कोई होगी तो बड़ी मक्खी होगी। अच्छे भी घर में कोई पैदा होगा तो कहेंगे अच्छा चरित्र, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर आखिरी में क्या रिजल्ट होगा? फिर खराब हो जाएगा। अरे खराब होने में उनको देरी थोड़ी लगती है, जैसे वो मच्छर है ना, अभी वो तो एक जन्म बाकी वहां रहे, वो तो कोई काम का नहीं है। जैसे एक जन्म तो उनका कोई पार्टी ही नहीं है। और उनकी संख्या कितनी होगी है? देवताओं मिश्र संख्या होगी, मनुष्यों ऋषि मुनियों मिश्र संख्या होगी, मनुष्यों मिश्र संख्या होगी, राक्षसों मिश्र संख्या होगी, या कीड़े मकोड़ों जैसी संख्या होगी है? अरे वो ही मक्खी मच्छरों की देश है। तो अभी वो एक जन्म बाकी रहे वहां सुख में, कहेंगे वो तो नक्कामा जन्म है, एक जन्म से क्या होता है, और वो भी थोड़े समय का, जैसे उनका पार्टी नहीं है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख। जैसे नाटक होता है ना,
तो पिछाड़ी में कोई छोटे मोटे पार्टधारी होते हैं ना, तो नाटक के अंत में फिर बाद में निकल करके आते हैं, पतिक पीछे से निकल के आते हैं ना। तो यहां वो जो सर्कस होते हैं ना, तो देखो पार्ट तो बहुत बज रहा है, फिर टप्पर उतारने का, सफाई करने का, फिर उनको पार्ट मिलता है, और क्या पार्ट मिलेगा है? उनको कोई ऊंचा पार्ट मिलेगा है? इंजीनियर का पार्ट मिलेगा है? मिस्त्री का पार्ट मिलेगा या तोड़ने वाले का? तंबू तोड़ा उठाओ खत्म करो। ऐसे तुमको तो, अरे तुम्हारा तो पार्ट तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा है ना। जो बाप बैठ करके समझाते हैं, जो ऊंचे ते ऊंचा पार्ट तुम्हारा बच्चों का है, कौन से बाप बैठ करके समझाते हैं है? तुम बच्चों का शिव बाप समझाते हैं, बच्चों को डेढ़ के डेढ़ बच्चों को समझाते हैं, और वो समझते हैं है? हाँ बताया, वो पार्ट बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बच्चों को फिर समझाते हैं। मीठे बच्चों, तुम्हारा इस ड्रामा में बहुत उत्तम पार्ट है, तुम्हारे जितना सुख और तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी नहीं देख सकता है। कोई भी माने है? कोई भी माने क्या? कोई देवताएं भी नहीं भोग सकते? अरे हाँ, देवताएं भी नहीं भोग सकते, क्योंकि देवताओं को सबको महादेव थोड़े कहा जाता है। तुमको तो क्या टाइटल मिला हुआ है? महादेव का टाइटल मिला हुआ है। तो सो फिर बाप कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुख मिलता है, इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, देह के अर्थ नहीं करना चाहिए, देह तो विनाश हो जाएगी। देह के लिए अभी सुख भोग लिया तो आत्मा का जन्म जन्मांतर का सुख खलास हो जाएगा है? करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं। क्या? अरे पुरुषार्थ की बात हो रही है, करते रहते हो। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, और अपनी प्रारब्ध अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनाई थी। अरे पुरुषार्थ बिगर तो कोई भी अपनी प्रारब्ध जन्म जन्मांतर की बना ही नहीं सकेंगे। ओम शांति।